हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है मनी एंड क्रेडिट्स। तो इस चैप्टर में हम मनी की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और मनी की अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। हम बैंकिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, साथ में हम क्रेडिट्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब जो हम पैसे लेते हैं उधार के रूप में, उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में ये भी जानेंगे कि हम जो लोन लेते हैं वो किन लोगों से लेना चाहिए और लोन लेने के क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होते हैं। सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दोस्तों, आज के समय में हम अपनी डेली लाइफ में मनी से जुड़े कई सारे ट्रांजैक्शंस देखते हैं। कई सारे लोग पैसे की मदद से कई सारी चीज़ें खरीद रहे होते हैं, कई सारे लोग पैसे के लिए चीज़ें बेच रहे होते हैं। तो इन दोनों केसेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है या जो पेमेंट हो रहा है, वो मनी के थ्रू हो रहा है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाई ट्रांजैक्शंस आर मेड इन मनी। मतलब जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है, यानी कि खरीदारी होती है, वो पैसे के द्वारा ही क्यों की जाती है। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा होता है तो वो आसानी से उस पैसे के बदले किसी भी चीज़ को या सर्विस को खरीद सकता है। इसलिए जितने भी लोग हैं वो ये चाहते हैं कि उन्हें जो पेमेंट मिले वो मनी की फॉर्म में मिले, ताकि वो भी उस मनी को एक्सचेंज करके कोई भी मनपसंद चीज़ खरीद सके। इसलिए आज के समय में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो मनी के थ्रू ही होती हैं। अब आप एक चीज़ सोचो ज़रा कि आज तो हमारे पास पैसा है, इसलिए आज तो हम आसानी से ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं। लेकिन आज से कई साल पहले, जब मनी का इन्वेंशन ही नहीं हुआ था, तब लोग कैसे ट्रांजेक्शन किया करते थे, मतलब लेन देन कैसे किया करते थे। तो देखो, शुरुआती समय में चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए एक सिस्टम फॉलो किया जाता था, जो कि था बार्टर सिस्टम। अब बार्टर सिस्टम क्या होता है? तो बार्टर सिस्टम इज़ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर पार्टीज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। मतलब बार्टर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग या पार्टी चीज़ों की अदला बदली करते हैं बिना पैसों का यूज़ किए। जैसे मान लो दो व्यक्ति हैं, एक के पास है गेहूं और दूसरे व्यक्ति के पास है चावल। तो इस वाले व्यक्ति को चावल चाहिए, वहीं इस वाले व्यक्ति को गेहूं चाहिए। तो ये आपस में डायरेक्टली अदला बदली कर लेंगे सामान की वैल्यू के हिसाब से। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति है, उसके पास कपड़े हैं बट उसे जूते चाहिए। तो वो ऐसे व्यक्ति के पास जाएगा जो उससे कपड़े ले ले और उसके बदले में उसे जूते दे दे, तो वो उससे क्या करेगा, एक्सचेंज कर लेगा। तो ये जो सिस्टम होता है चीज़ों की अदला बदली करने का बिना मनी का यूज़ किए, इसी को बोला जाता है बार्टर सिस्टम। ये सिस्टम पुराने समय में काफ़ी यूज़ होता था, क्योंकि तब लोगों के पास पैसा यानी कि मनी तो होती नहीं थी, इसीलिए वे चीज़ों की इसी प्रकार से अदला बदली किया करते थे। लेकिन दोस्तों, इस बार्टर सिस्टम के अंदर एक प्रॉब्लम होती है। अब क्या प्रॉब्लम होती है? तो प्रॉब्लम होती है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की। मतलब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि दोनों पार्टीज राजी होनी चाहिए चीज़ों की अदला बदली करने के लिए। इसी को बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। इसी में आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लो एक व्यक्ति है, उसके पास जूते हैं, तो वो चाहता है कि उसे उसके जूतों के बदले गेहूँ मिल जाए। तो वो जाता है ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास गेहूँ थे। तो वो उससे कहता है कि भाई, आप एक काम करो कि आप मेरे से शूज ले लो और उसके बदले मुझे गेहूँ दे दो। तो वो कहता है कि मैं गेहूँ तो दे देता, बट मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे तो कपड़े चाहिए। तो क्या ये डील सक्सेसफुल होगी? नहीं, क्योंकि दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा। ठीक इसी प्रकार से ये व्यक्ति जाता है दूसरे व्यक्ति के पास जिसके पास मटके थे। तो अब वो उस मटके वाले के सामने सेम कंडीशन रखता है। वो कहता है कि आप मेरे से जूते ले लो और उसके बदले में मुझे गेहूं दे दो। तो सामने वाला कहता है, मुझे जूते तो चाहिए बट मेरे पास गेहूं नहीं है, मेरे पास तो मटके हैं। तो यहाँ पर भी ये डील सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि दोनों का कोइंसिडेंस नहीं बैठ रहा। तो यहाँ से हमें बार्टर सिस्टम का एक फीचर समझ में आता है कि बार्टर सिस्टम तभी सक्सेसफुल होगा जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स फुलफिल होंगे। मतलब जब दोनों पार्टी राजी होंगी चीज़ों की अदला बदली करने के लिए, तभी जो है बार्टर सिस्टम सक्सेसफुल होगा। तो हम लिख सकते हैं, द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स इज अ वेरी एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम। तो ये तो हुई पुराने टाइम की बात कि पहले बार्टर सिस्टम फॉलो होता था। लेकिन अगर हम मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें, तो आज के समय में हम यूज़ करते हैं मनी का। तो मनी के आने की वजह से जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स की जो प्रॉब्लम थी, वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाती है। क्योंकि मनी को हर कोई एक्सेप्ट करता है, मटके वाला भी एक्सेप्ट करता है, जूते वाला भी एक्सेप्ट करता है, गेहूं वाला भी एक्सेप्ट करता है, सब एक्सेप्ट करते हैं।
इसलिए आज के समय में हम मनी को यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि किसी भी चीज़ से बदलने के लिए। चलो मनी के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। तो जैसा कि हमने देखा कि मनी कोई ऐसी चीज़ है जो कि एक्ट कर सकती है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन ट्रांजेक्शन, मतलब हम ट्रांजेक्शन करने के लिए मनी का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब आप एक बात सोचो कि आज तो हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी हैं जिसका हम यूज़ करते हैं डेली ट्रांजेक्शन करने के लिए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आज से कई साल पहले यानी कि अर्ली एजेस में इंडिया के लोग मनी के रूप में क्या यूज़ करते थे। तो अर्ली एजेस में इंडिया के लोग ग्रेन्स और कैटल्स का यूज़ करते थे एज अ मनी चीज़ों को खरीदने और बेचने के लिए। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेटेलिक कॉइन्स का दौर आता है, मतलब लोग मेटेलिक कॉइन्स को एज अ मनी यूज़ करने लगे थे जिसमें गोल्ड, सिल्वर, कॉपर के कॉइन आते थे। जैसा कि आप इन इमेजेस में देख सकते हो, इस तरीके के सिक्कों का यूज़ होने लगा था। तो ये तो थी पुराने टाइम की बात, लेकिन आज हम मनी के रूप में यूज़ करते हैं करेंसी को। तो चलिए करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। तो करेंसी क्या होती है? तो करेंसी इज़ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी विच कंसिस्ट्स ऑफ पेपर नोट्स एंड कॉइन। तो करेंसी एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी होती है जिसमें पेपर नोट्स और कॉइन्स आते हैं। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि आज की जो करेंसी है, मतलब जिसे हम मनी के रूप में यूज़ करते हैं, वो पुराने टाइम की मनी से बिल्कुल ही अलग है। आज की जो मॉडर्न करेंसी है वो इतनी ज़्यादा प्रीशियस भी नहीं है जितनी पुराने टाइम के गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर के कॉइन्स हुआ करते थे, और ना ही ये करेंसी इतनी ज़्यादा यूजफुल है डेली लाइफ में जितना ग्रेन्स और कैटल्स होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि करेंसी का खुद का कोई यूज़ नहीं है, वो केवल एक पेपर है, लेकिन फिर भी लोग करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ऐसा क्यों है? वाई करेंसी एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो करेंसी होती है वो गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज होती है, मतलब गवर्नमेंट ये गारंटी देती है कि जितने का भी नोट होगा आप उसके बदले उतनी वैल्यू का सामान खरीद सकते हो। आपने देखा भी होगा नोट पर क्लियरली लिखा रहता है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए लोगों का ट्रस्ट होता है और सभी लोग करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं। इंडिया का जो रिजर्व बैंक होता है वही केवल करेंसी को इशू कर सकता है। एज पर इंडियन लॉ, रिजर्व बैंक के अलावा कोई और इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन करेंसीज को इशू नहीं कर सकती क्योंकि ये इलीगल माना जाता है। इसके अलावा हमारे लॉज ये लीगलाइज करते हैं कि अगर कोई पेमेंट हो रहा है हमारी करेंसी के थ्रू यानी कि रुपीज़ में, तो उस पेमेंट को कोई भी रिफ्यूज़ नहीं कर सकता, यानी कि उसे एक्सेप्ट करने से मना नहीं कर सकता, उसे एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी करेंसी यानी कि रुपीज़ वाइडली एक्सेप्टेड है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि सभी लोगों के द्वारा यूज़ की जाती है। डिपॉजिट्स विद बैंक्स। इसके अलावा दोस्तों, अब ऐसा नहीं है कि सभी लोग मनी को हाथ में ही लेकर घूमते हैं, बल्कि कई सारे लोग मनी को बैंक में एज अ डिपॉजिट भी रखते हैं। तो ये भी मनी ही कंसिडर की जाती है, भले ही वो हमारे हाथ में नहीं है लेकिन है तो हमारे ही पैसा। तो ज़्यादातर सभी घरों में लगभग ऐसा होता है कि लोग अपनी इनकम का कुछ पैसा रख लेते हैं अपने डे टू डे लाइफ की ज़रूरत के लिए, और जो एक्स्ट्रा कैश बचता है उस कैश को वो सीधा बैंक में जाकर जमा कर देते हैं अपने नाम का एक अकाउंट खुलवा कर। बैंक हमारे पैसे को रखता है और साथ में वो हमें इंटरेस्ट भी देता है हमारे डिपॉजिट के ऊपर। अब इससे होता क्या है कि लोगों का पैसा सेफ भी रहता है और वो कुछ अमाउंट भी कमा लेते हैं इंटरेस्ट के रूप में। और तो और दोस्तों, हमारे लिए ऐसे प्रोविजंस भी बनाए गए हैं कि हम बैंक से कभी भी पैसे निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो। अब दोस्तों, हम जो पैसा जमा करते हैं ना बैंक में, मतलब हम जो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, उसे डिमांड डिपॉजिट बोला जाता है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि क्यों बोला जाता है, क्योंकि हम अपनी डिमांड के अनुसार जब चाहें तब अपने पैसे विड्रॉ कर सकते हैं यानी कि निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बैंक में डिमांड डिपॉजिट करने के कई सारे और फायदे भी होते हैं, जिसमें से एक फ़ायदा होता है चेक का। अब ये चेक क्या होता है, चलिए जानते हैं। तो अ चेक इज़ अ पेपर इंस्ट्रक्टिंग द बैंक टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट फ्रॉम द पर्सन्स अकाउंट टू द पर्सन हु नेम द चेक हैज़ बीन इशूड। मतलब चेक एक पेपर होता है जो कि इंस्ट्रक्ट करता है बैंक को कि इतनी इतनी अमाउंट आपको पे करनी है मेरे अकाउंट से उस व्यक्ति के अकाउंट में जिसके नाम से चेक इशू किया गया है। आया समझ में? चलो अगर नहीं आया तो मैं आपको एग्जाम्पल की मदद से और अच्छे से समझाता हूँ। ये आपके NCERT का ही एग्जाम्पल है। एक व्यक्ति है एम सलीम, जो कि एक शू मैन्युफैक्चरर है। तो उसे क्या करना है, एक व्यक्ति को पेमेंट करना है जिसका नाम है प्रेम कुमार, जो कि एक लेदर सप्लायर है। तो सलीम क्या करता है, अपनी बैंक द्वारा दी गई चेकबुक निकालता है और एक चेक फाड़ता है। फिर वो सबसे पहले डेट डालता है, उसके बाद वो उस व्यक्ति का नाम लिखता है जिसको उसे पैसे देने हैं, यानी कि प्रेम कुमार का। उसके बाद वो अमाउंट डालता है बर्ड्स और नंबर दोनों में।
अब यहाँ पर आप लोग भी एक बात ध्यान रखोगे कि वर्ड्स लिखने के बाद ओनली ज़रूर लिखना चाहिए। सिमिलरली इधर नंबर ख़त्म करने के बाद इस तरीके से स्लैश लगाकर लाइन ज़रूर खींचनी चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति दी गई अमाउंट के साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, मतलब अपनी मर्जी से एक आध नंबर या टेक्स्ट ऐड ना कर पाए। ठीक है, यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर होता है और भी कई सारे डिटेल्स होती हैं। इतना करने के बाद सलीम यहाँ पर अपने साइन कर देता है और प्रेम को दे देता है। चेक लेकर प्रेम जाता है बैंक के पास और चेक को जमा करता है। इसके बाद कुछ ही दिनों में जो पैसा होता है वो सलीम के अकाउंट से प्रेम के अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ नोटिस की कि ये जो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हुई वो बिना कैश के हुई, मतलब सलीम को कैश नहीं निकालना पड़ा, सीधे बैंक टू बैंक ही मनी ट्रांसफ़र हो गई। तो आई होप आप लोग चेक की सारी प्रोसेस समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों आज का जो टाइम है वो बहुत ही एडवांस है, तो लोग अपने फ़ोन से ही डायरेक्ट एक बैंक से दूसरे बैंक में मनी ट्रांसफ़र कर देते हैं। लेकिन अभी भी कई सारे लोग प्रोफेशनल वर्क्स के लिए चेक्स का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक्स। देखो इस टॉपिक में सिंपली हम ये समझेंगे कि हम जो पैसे जमा करते हैं बैंक में, बैंक उस पैसे का क्या करता है। व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट्स व्हिच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। तो चलिए समझते हैं बैंक की लोन एक्टिविटी को। जैसे मान लो ये बैंक है और जो लोग बैंक में पैसे जमा करते हैं उन्हें बोला जाता है डिपॉजिटर्स। तो डिपॉजिटर्स क्या करते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं। और अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि जो लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में वो जब अपने पैसे वापस निकालते हैं तो उन्हें अपना पैसा तो मिलता ही मिलता है, साथ में कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी मिल जाते हैं ब्याज के रूप में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है कि बैंक ऐसा क्या कर रहा है कि वो लोगों के पैसे भी लौटा देता है और साथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी दे देता है। तो देखो बैंक यहाँ पर क्या करता है, बैंक में जो पैसा जमा होता है डिपॉजिटर्स का, बैंक उस पैसे में से थोड़े पैसे रख लेता है, यानी कि लगभग 15% रख लेता है अपने पास। इतने पैसे को बैंक अपने पास इसलिए रखता है ताकि कुछ डिपॉजिटर्स आ भी जाए अपने पैसे विड्रॉ करने के लिए तो बैंक उनकी पूर्ति कर सके। 15% इनफ होता है क्योंकि अचानक से सभी लोग एकदम से पैसे निकालने कभी नहीं आते, तो बैंक 15% पैसा रखता है अपने पास। और बाकी के जो बचे हुए पैसे होते हैं यानी कि लगभग 85%, उन्हें वो दे देता है बोरोअर्स को। तो बोरोअर्स वो लोग होते हैं जो लोन लेते हैं। तो बैंक क्या करते हैं, इन बोरोअर्स को थोड़े हाई इंटरेस्ट पर लोन देते हैं, मतलब जब बोरोअर लोन के पैसे लौटाते हैं तो साथ में उन्हें लोन का थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, मतलब लोन के इंटरेस्ट के रूप में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी देने पड़ते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बैंक डिपॉजिटर्स को जो इंटरेस्ट देता है उनकी मनी के ऊपर वो बहुत कम इंटरेस्ट देता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते 3% देता है, और बैंक जो इंटरेस्ट चार्ज करता है बोरोअर से वो ज़्यादा चार्ज करता है, यानी कि लगभग 10-15% चार्ज करता है। तो समझ रहे हो, बैंक इधर कम इंटरेस्ट देता है उधर से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है, तो जो बीच में जो डिफरेंस आता है यानी कि जो पैसा बचता है उसे बैंक खुद रख लेता है और वही बैंक की मेन इनकम का सोर्स होता है। तो हम लिख सकते हैं द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज चार्ज्ड फ्रॉम बोरोअर्स एंड व्हाट इज पेड टू डिपॉजिटर्स इज देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम। आया समझ? तो ये बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस होती है बैंक की, जिसकी मदद से बैंक लोगों को इंटरेस्ट भी दे देता है, लोन भी दे देता है और साथ में खुद भी पैसे कमा लेता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। तो देखो इस टॉपिक में हम क्रेडिट के बारे में पढ़ेंगे कि क्रेडिट क्या होता है, और क्रेडिट की दो डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो क्रेडिट का सिंपल सा मतलब होता है लोन यानी कि कर्ज। तो क्रेडिट की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे क्रेडिट्स यानी कि लोन इज एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द बोरोअर विथ मनी गुड्स और सर्विसेज इन रिटर्न फॉर द प्रोमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। तो क्रेडिट यानी कि लोन एक एग्रीमेंट होता है जिसमें बोरोअर लेंडर से कुछ भी चीज़ उधार के रूप में लेता है, जैसे कि मनी गुड्स सर्विसेज, और प्रोमिस करता है कि वो उस लोन को फ्यूचर में रिटर्न कर देगा। अब दोस्तों लोन लेना कई लोगों के लिए अच्छा साबित होता है और कई लोगों के लिए बेकार भी साबित होता है। तो चलो इसे और अच्छे से समझने के लिए हम दो लोगों की स्टोरी सुनते हैं। पहली स्टोरी है सलीम की और दूसरी स्टोरी है स्वप्ना की। तो सलीम की स्टोरी में क्या होता है, सलीम एक शू मैन्युफैक्चरर होता है, मतलब एक जूते बनाने वाला होता है। तो उसे एक ट्रेडर के द्वारा 3000 जोड़ी जूते बनाने का ऑर्डर मिलता है। सलीम उससे कहता है कि मैं एक महीने में सारे शूज कम्प्लीट करके आपको दे दूंगा। तो प्रोडक्शन के खर्चे को मैनेज करने के लिए सलीम क्या करता है, दो जगहों से लोन लेता है। पहला वो जाता है लेदर सप्लायर के पास और उससे कहता है कि आप मुझे लेदर सप्लाई कर दो और मैं आपको बाद में पेमेंट कर दूंगा, ये वो प्रॉमिस करता है।
दूसरा वो जाता है एक बड़े ट्रेडर के पास, जिससे वो कुछ रुपए उधार लेता है एडवांस के रूप में, और उससे प्रॉमिस करता है कि वो 1000 जोड़ी शूज के ऑर्डर को डिलीवर कर देगा मंथ के एंड तक। और दोस्तों मंथ के एंड में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब रहता है और वो अच्छा खासा पैसा भी कमा लेता है, और साथ ही जिन जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वो उसे भी पे कर देता है। तो यहाँ पर इस केस में हमें क्या देखने को मिला कि किस तरीके से सलीम ने लोन की मदद से प्रोडक्शन को बिना परेशानी के और समय पर पूरा किया। तो यहाँ पर हमें लोन का एक पॉजिटिव रोल देखने को मिला, यानी कि क्रेडिट ने इस सिचुएशन में बहुत ही बड़ा और पॉजिटिव रोल प्ले किया। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि लोन लेने से हमेशा फ़ायदा ही होता है, बल्कि नुकसान भी देखने को मिल सकता है। इसे समझने के लिए हम दूसरी स्टोरी सुनते हैं, जो कि है स्वप्ना की। तो स्वप्ना एक किसान होती है जो कि अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। तो उस खेती के खर्चे के लिए स्वप्ना एक मनी लेंडर से लोन लेती है और प्रॉमिस करती है कि वो लोन फसल के तैयार होने पर चुका देगी। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि उसकी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है और वो लोन नहीं चुका पाती। तो ऐसी सिचुएशन में स्वप्ना क्या करती है, दोबारा लोन लेती है अपनी फसल के लिए और सोचती है कि इस बार वो पक्का लोन चुका देगी, ये वाला भी और पुराना वाला भी। पर दोस्तों ऐसा नहीं होता है, उसकी दोबारा की फसल भी इतनी नहीं निकलती कि वो अपना पिछला कर्ज भी चुका पाए। तो इस तरीके से स्वप्ना कर्ज में डूबती चली जाती है और डेब्ट ट्रैप में फंस जाती है, मतलब कर्जे के जाल में फंस जाती है। बाद में स्वप्ना को अपना कर्ज चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा जो लोन लिया जाता है वो फसल उगाने के लिए ही लिया जाता है, क्योंकि फसल उगाने के लिए बीज, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इन सब में बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, इसलिए किसानों को मजबूरी में लोन लेना पड़ता है। मैं भी रूरल एरिया से ही बिलोंग करता हूँ, इसलिए मैं भी काफ़ी अच्छे से समझता हूँ कि फार्मर्स की क्या कंडीशन होती है और उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। फार्मर्स यूजली सीजन के शुरू होने पर फसल के लिए लोन लेते हैं और फसल के हार्वेस्ट होने के बाद उसे रीपे कर देते हैं, यानी कि चुका देते हैं। फार्मर्स लोन को चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे ये डिपेंड करता है कि फसल की कितनी कमाई हुई है। हमने स्वप्ना के केस में भी देखा था कि स्वप्ना की फसल खराब हो गई थी, इसलिए उसका लोन चुकाना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया था, जिसके चलते स्वप्ना को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा था। तो यहाँ पर लोन ने, यानी कि कर्ज ने, स्वप्ना की अर्निंग बढ़ाने की बजाय उसकी सिचुएशन और ज़्यादा वर्स कर दी, यानी कि खराब कर दी। तो इस केस में लोन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव रोल देखने को मिला कि कई बार क्रेडिट या लोन लोगों को ऐसी परिस्थिति में ढकेल देता है जहाँ से बाहर निकलना काफ़ी दर्दनाक होता है। तो अभी तक हमने 2 सिचुएशन देखी, पहली शू मेकर सलीम की और दूसरी स्वप्ना की। सलीम की सिचुएशन लोन की वजह से पहले से ज़्यादा बेहतर हो जाती है, वहीं स्वप्ना की सिचुएशन लोन की वजह से पहले से और ज़्यादा बदतर हो जाती है। तो लोन लेना यूजफुल होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि उस सिचुएशन में रिस्क कितना है और लॉस होने पर सपोर्ट की संभावना कितनी है। आया समझ में? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टर्म्स ऑफ क्रेडिट। इस टॉपिक में हम ये समझेंगे कि जब हम किसी से लोन लेने जाते हैं तो वो हमसे क्या क्या शर्तें रखता है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि अगर हम किसी से लोन लेने जा रहे हैं तो वो हमें डायरेक्ट पैसे दे देगा बिना किसी कंडीशन के कि लो पैसे और ऐस करो, बल्कि वो हमारे सामने कई सारी टर्म्स रखेगा, यानी कि शर्तें रखेगा, जैसे कि मुझे इतना इंटरेस्ट रेट चाहिए, ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सैलरी स्लिप चाहिए, इस तरीके से तुम्हें पैसे लौटाने पड़ेंगे, ये मुझे कोलेटरल के रूप में चाहिए, इस तरह की कई सारी शर्तें रखेगा। तो ये जो शर्तें होती हैं लोन लेने के लिए उन्हें बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट, यानी कि लोन लेने की शर्तें। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज टर्म्स ऑफ क्रेडिट, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर कंप्राइज व्हाट इज कॉल्ड द टर्म्स ऑफ क्रेडिट। आए समझ? अब इस डेफिनेशन में जो भारी भारी शब्द है जैसे कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, डॉक्यूमेंटेशन एंड मोड ऑफ रीपेमेंट, ये क्या होते हैं इन्हें हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इंटरेस्ट रेट क्या होती है। तो इंटरेस्ट रेट इज एन इंटरेस्ट चार्ज दैट बोरोअर पे टू द लेंडर फॉर अ लोन, मतलब इंटरेस्ट रेट एक्स्ट्रा अमाउंट होती है जो कि बोरोअर को पे करनी पड़ती है लेंडर को जब वो लोन चुकाने जाता है। जैसे मान लो मैं लोन लेने जाता हूँ तो मैं यहाँ पर हो गया बोरोअर और जो लोन देता है वो होता है लेंडर। तो मैं लेंडर से 1,00,000 रुपये मांगता हूँ, तो लेंडर कहता है कि ठीक है ले लो, बट मुझे 10% पर ईयर इंटरेस्ट के रूप में चाहिए। मैंने कहा ठीक है मैं दे दूंगा और मैं उससे पैसे लेकर वापस आ जाता हूँ। तो 1 साल बाद जब मैं इसे पैसे वापस लौटाने जाऊँगा तो मुझे लेंडर को 1,00,000 रुपये तो देने ही पड़ेंगे,
साथ में उसका 10% इंटरेस्ट यानी कि कुल मुझे 110,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो आया समझ में कि क्या होती है इंटरेस्ट रेट। अब हम समझते हैं कि ये कोलेटरल क्या होता है। तो कोलेटरल इज एन एसेट दैट द बोरोअर ओन्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लैंडर अनटिल द लोन इज रीपेड। मतलब कोलेटरल एक सिक्योरिटी है, यानी कि इसे हम आसान भाषा में गिरवी रखना बोलते हैं। इसे आपको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको फिर से एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लो मैं जाता हूँ एक लेंडर के पास लोन लेने के लिए कि मुझे लोन चाहिए। तो लेंडर कहता है ठीक है ले लो, पर मुझे इंटरेस्ट तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में मुझे कोलेटरल भी चाहिए, यानी कि कोई एसेट या चीज़ एज अ सिक्योरिटी भी चाहिए। क्योंकि क्या गारंटी है कि तुम मेरे पैसे को समय पर लौटा दोगे? अगर नहीं लौटा पाए तो मैं क्या करूँगा, मेरा पैसा तो डूब जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अपने घर को एज अ कोलेटरल गिरवी रख देता हूँ लेंडर के पास कि इनकेस अगर मैं अपना लोन वापस नहीं कर पाता हूँ तो तुम मेरे घर को बेचकर अपनी अमाउंट निकाल सकते हो। तो कोलेटरल क्या होता है, कोई भी एसेट होता है जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, जिनका हम यूज करते हैं एज अ गारंटी टू अ लेंडर कि जब तक हम अपना लोन नहीं लौटाते तब तक ये चीज़ गारंटी के तौर पर आपके पास रहेगी। आया समझ में कि कोलेटरल क्या होता है। अब हम देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट क्या होती है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड होते हैं लोन लेने के लिए, या हम सिंपल भाषा में से पेपर वर्क भी कह सकते हैं। लास्ट हम समझते हैं कि ये मोड ऑफ रीपेमेंट क्या होता है। तो मोड ऑफ रीपेमेंट का मतलब होता है कि हमने जो लोन लिया है वो हमें किस तरीके से चुकाना है, यानी कि किस तरीके से पे करना है। इंस्टॉलमेंट्स के थ्रू भरना है या फिर इकट्ठा भरना है, कैश में भरना है कि चेक में भरना है, ये मोड ऑफ रीपेमेंट होता है। तो ये सभी चीज़ें जो कि हमने डिस्कस की उन्हें टर्म्स ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। अब आप लोग एक बात याद रखना कि जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट्स होती हैं, मतलब लोन लेने की जो शर्तें होती हैं, वो बैरी कर सकती हैं लेंडर और बोरोअर के नेचर के ऊपर। मतलब लेंडर और बोरोअर का नेचर कैसा है, मतलब आप लोन किससे ले रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या होंगे। जैसे मान लो एक व्यक्ति है मोहन, जो कि कम पढ़ा लिखा है, उसे बैंक वगैरह की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो एक लेंडर से लोन लेने जाता है। तो लेंडर उसके सामने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के रूप में 60% एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करने की कंडीशन रखता है। मतलब अगर मोहन लोन के रूप में 100,000 रुपये लेता है तो उसे एक साल बाद 60% इंटरेस्ट रेट के चलते उसे 160,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। वहीं अगर हम एक दूसरे व्यक्ति का एग्जाम्पल लें जिसका नाम राम है, जो कि काफ़ी पढ़ा लिखा है, तो उसे जब लोन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो वो जाता है बैंक और बैंक में लोन के लिए अप्लाई करता है। तो बैंक उसके सामने कई सारी टर्म्स ऑफ क्रेडिट रखता है जिसमें बैंक उससे मात्र 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है। सारी कंडीशन फुलफिल करने के बाद अगर राम लोन लेता है, एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं राम लोन लेता है 100,000 रुपये का, तो मात्र 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट के चलते जब राम एक साल बाद लोन चुकाने जाएगा तो उसे मात्र 108,000 रुपये ही पे करने पड़ेंगे। तो अंतर समझ रहे हो, वहाँ उसे 60% चार्ज करना पड़ रहा था और यहाँ इसे मात्र 8% चार्ज करना पड़ रहा है। तो इन दोनों एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया कि टर्म्स ऑफ क्रेडिट वेरी करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम लोन किससे ले रहे हैं। अगर हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है एज़ कम्पेयर टू लेंडर। लेकिन कई सारे लोग, मोस्टली रूरल एरिया के लोग, बैंक से लोन नहीं ले पाते हैं क्योंकि लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें बैंक की ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, प्लस बैंक की टर्म्स बहुत ज़्यादा होती है, डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए होता है, कोलेटरल भी चाहिए होता है, और भी कई सारे रीज़न होते हैं। इसलिए कई सारे लोग मजबूरी में लेंडर से लोन लेना प्रेफर करते हैं जिसके चलते उन्हें बाद में जाकर भारी परेशानी भुगतनी पड़ती है। तो अभी तक हमने देखा कि कई सारे लोग लेंडर से लोन लेते हैं और हमने ये भी देखा कि कई सारे लोग बैंक से भी लोन लेते हैं। इसी तरीके से रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कई सारे लोग कॉरपोरेटिव से भी लोन लेते हैं। अब ये कॉरपोरेटिव्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो रूरल एरियाज़ में क्या होता है, कई सारे लोग मिलकर एक ग्रुप फॉर्म करते हैं जिसे कॉरपोरेटिव बोला जाता है। जैसे कि किसी जगह के फार्मर्स ने मिलकर फार्मर्स कॉरपोरेटिव फॉर्म कर लिया, बीवर्स ने मिलकर बीवर्स कॉरपोरेटिव फॉर्म कर लिया, बर्कर्स ने मिलकर बर्कर्स कॉरपोरेटिव फॉर्म कर लिया, इस तरीके से कॉरपोरेटिव फॉर्म कर लेते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होता है, कॉरपोरेटिव के जितने भी मेंबर होते हैं वो सभी आपस में पैसे इकट्ठे कर लेते हैं और जिसको भी ज़रूरत होती है उसे बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर लोन दे देते हैं, जिससे उसका काम चल जाता है। और तो और दोस्तों, कॉरपोरेटिव्स को काफ़ी बड़ी अमाउंट का लोन भी मिल जाता है बैंक से। कॉरपोरेटिव्स हर चीज़ के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट के लिए, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चरल ट्रेड के लिए,
मछली पालन के लिए, घर बनाने के लिए, इस तरीके के कई सारे लोन प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया। तो इस टॉपिक में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि फॉर्मल सेक्टर लोन क्या होते हैं और इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्या होते हैं। तो फॉर्मल सेक्टर लोन वो लोन होते हैं जो कि हम बैंक या कॉरपोरेटिव से लेते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होता है। बट इनफॉर्मल सेक्टर लोन वो लोन होते हैं जो कि हम मनी लेंडर से और ट्रेडर से लेते हैं या फिर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से लेते हैं। इनमें इतना ज़्यादा डॉक्यूमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब हम देखते हैं कि फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में और इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या डिफरेंस होता है। वैसे आप लोगों को मेजर डिफरेंस तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन फिर भी हम डिटेल में समझते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट को। तो फॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, जो रिजर्व बैंक होता है वो सुपरवाइज करता है जितनी भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं उनकी फंक्शनिंग को। मतलब रिजर्व बैंक नज़र रखता है जितने भी फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन होते हैं उनके ऊपर, जैसे कि बैंक्स और कॉरपोरेटिव्स के ऊपर। फॉर्मल सेक्टर में काफ़ी रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। इतना ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता कि कोई पे भी ना कर पाए। इसके लिए RBI नज़र भी रखती है बैंक्स के ऊपर कि वो कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होती हैं वो सबके लिए सेम होती हैं, समान होती हैं। किसी के साथ भी कोई भी भेदभाव नहीं होता उसके रिलीजन, जेंडर और कास्ट के बेसिस पर। इसमें क्या होता है, प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट फॉलो करनी पड़ती हैं और साथ में कोलेटरल भी जमा करना पड़ता है लोन लेने के लिए। बट फॉर्मल सेक्टर में एक अच्छी बात ये होती है कि जो RBI होता है वो इन चीज़ों पर भी नज़र रखता है कि लोन ना केवल बड़े बड़े प्रॉफिट मेकर बिजनेसेस और ट्रेडर्स को ही ना मिले, बल्कि ऐसे लोगों को भी लोन मिले जो कि स्मॉल कल्टीवेटर्स हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, इनको भी लोन मिले। तो ये सब देखने को मिलता है फॉर्मल सेक्टर में। अब हम देखते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट में क्या होता है। तो इनफॉर्मल सेक्टर में RBI की तरह कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नहीं होती है नज़र रखने के लिए। मतलब किसको लोन मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, कितने इंटरेस्ट रेट पर मिल रहा है, इन सब पर कोई भी सुपरवाइजरी बॉडी नज़र नहीं रखती। इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, पेरेंट्स, मनी लेंडर्स एक्सेट्रा। इसमें यूजली क्या होता है, लोगों से हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाता है। और तो और इसमें टर्म्स ऑफ क्रेडिट वो भी वेरी करती हैं। मतलब लोन की जो शर्तें होती हैं वो अनफेयर मैनर में होती है। मतलब किसी किसी के लिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट बहुत ज़्यादा होती हैं तो किसी के लिए बिल्कुल भी टर्म्स ऑफ क्रेडिट नहीं होती। बेसिकली यहाँ पर हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार से प्रॉपर टर्म्स ऑफ क्रेडिट देखने को नहीं मिलता और इसमें कोलेटरल भी एब्सेंट रहता है। और तो और इनफॉर्मल सेक्टर से उधार लेना लोगों को डेब्ट ट्रैप में, यानी कि कर्जे के जाल में फंसा सकता है। तो ये सब देखने को मिलता है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो यहाँ से हमें ये तो समझ में आता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकता है या रिस्की हो सकता है। अभी हम कुछ ग्राफ्स देखेंगे। जैसे कि आप ये वाला ग्राफ देखो, इस ग्राफ से आपको पता चलेगा कि रूरल हाउसहोल्ड यानी कि गांव के लोग लोन कहां कहां से लेते हैं। तो 2012 के डाटा के अनुसार रूरल एरियाज में सबसे ज़्यादा लोन लिया जाता है मनी लेंडर से, यानी कि लगभग 33% लोन लिया जाता है मनी लेंडर से। इसी तरीके से 25% लोन लिया जाता है कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ से और बैंक से। 8% लोन लिया जाता है रिलेटिव्स और फ्रेंड्स से। 1% लोन लिया जाता है गवर्नमेंट से। इस तरीके से अलग अलग जगहों से लोन लिया जाता है। पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि रूरल एरियाज़ में सबसे ज़्यादा जो लोन लिया जाता है वो मनी लेंडर से लिया जाता है, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इनफॉर्मल सेक्टर क्रेडिट की समस्या को सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि जितने भी बैंक्स और कॉरपोरेटिव सोसाइटीज़ हैं इंडिया की, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोन देने की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक और कॉरपोरेटिव्स ही लोगों को चीप और अफोर्डेबल लोन दे सकती हैं, जिसकी मदद से जो गरीब लोग हैं, मोस्टली रूरल एरिया के लोग, वो अपनी क्रॉप्स उगा सकते हैं, छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं, इस तरीके के कई सारे काम कर सकते हैं। अब इससे होगा क्या कि लोग तो ग्रो करेंगे ही करेंगे, साथ में हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा। इसलिए कहते हैं चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज़ क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब कंट्री के डेवलपमेंट के लिए लोगों को चीप और अफोर्डेबल लोन देना काफ़ी ज़रूरी है। अब आप इस दूसरे ग्राफ को देखो, इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि जो अर्बन हाउसहोल्ड हैं, मतलब शहर के जो लोग हैं, वो कहाँ से लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। चलिए जानते हैं। यहाँ पर जो ब्लू वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी परसेंट लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है, और जो पर्पल वाला पोर्शन है वो इंडिकेट कर रहा है कि कितनी परसेंट लोन फॉर्मल सेक्टर से लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अर्बन एरियाज़ के पुअर हाउसहोल्ड्स को, मतलब जो गरीब लोग हैं वो कहाँ से लोन लेते हैं।
तो 85% जो पुअर हाउस होल्ड हैं वो लोन लेते हैं इनफॉर्मल सेक्टर से, और 15% पुअर हाउस होल्ड लोन लेते हैं फॉर्मल सेक्टर से। मतलब गरीब लोग इनफॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन लेते हैं, फॉर्मल सेक्टर से कम लोन लेते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऐसे लोगों की बात करें जिनके पास थोड़े बहुत एसेट्स हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत ज़मीन का टुकड़ा है या फिर छोटा मोटा घर है, तो ऐसे लोगों में मामला लगभग 50-50 का रहता है। मतलब 53% जो लोग हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं और 47% जो लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें वेल ऑफ फैमिलीज़ की, मतलब जिनके पास ठीक ठाक पैसा है, मतलब जिनके पास अच्छे खासे एसेट्स हैं, इनमें से मात्र 28% लोग ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोन उठाते हैं, बाकी सभी यानी कि लगभग 72% लोग फॉर्मल सेक्टर से ही लोन उठाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें रिच फैमिलीज़ की, मतलब जिनके पास बहुत पैसा है, तो ये लोग सबसे ज़्यादा पैसा फॉर्मल सेक्टर से ही उठाते हैं। जैसे कि मात्र 10% ही रिच फैमिलीज़ इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेती हैं, बाकी बची हुई सारी 90% रिच फैमिली सारा लोन फॉर्मल सेक्टर से ही उठाती हैं। तो अभी तक हमने जो भी ग्राफ देखे उनसे हमें क्या समझ में आता है कि जो गरीब लोग हैं वो ज़्यादा लोन इनफॉर्मल सेक्टर से लेते हैं, वहीं जो रिच लोग हैं वो फॉर्मल सेक्टर से ज़्यादा लोन लेते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो फॉर्मल सेक्टर है वो अभी भी रूरल लोगों की टोटल लोन डिमांड में से आधे ही लोन डिमांड को पूरा कर रहा है, बाकी के जो गरीब लोग हैं उन्हें मजबूरी में लोन लेने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में जाना पड़ता है और वहाँ से उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना पड़ता है। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके उतना बैंक्स और कॉरपोरेटिव्स का बढ़ना ज़रूरी है रूरल एरियाज़ में, ताकि इन लोगों की इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेने की डिपेंडेंसी कम हो सके। केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, बल्कि जो फॉर्मल सेक्टर लोन्स हैं उनका भी एक्सपेंड करना ज़रूरी है, ताकि सबको फॉर्मल सेक्टर से लोन मिल सके, खास करके पुअर हाउस होल्ड्स को जो कि आज इनफॉर्मल सेक्टर पर डिपेंडेंट है। लास्ट टॉपिक है हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर पुअर्स। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, वाई पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। मतलब जब हमें पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना कितना ज़्यादा रिस्की है, फिर भी कई सारे जो पुअर हाउस होल्ड हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, वो अभी भी इनफॉर्मल सेक्टर से लोन क्यों लेते हैं? चलिए समझते हैं इसे। तो देखो, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्रामीण एरिया हैं यानी कि जो रूरल एरियाज़ हैं, उन जगहों पर बैंक्स की बहुत कमी है। और तो और दोस्तों, गांव के ज़्यादातर लोगों के पास कोलेटरल भी एब्सेंट रहता है, तो ये एक रीज़न है कि लोग फॉर्मल सेक्टर को छोड़कर इनफॉर्मल सेक्टर की साइड जाते हैं। रीज़न ये है कि किसी लेंडर या इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेना काफ़ी आसान होता है, वही बैंक से लोन लेना काफ़ी कठिन होता है, क्योंकि बैंक में काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स और कोलेटरल की ज़रूरत होती है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोलेटरल नहीं होता है तो बैंक उसे लोन नहीं देता। वही इनफॉर्मल सेक्टर में क्या होता है, लोन लेना काफ़ी आसान होता है क्योंकि जो लेंडर होते हैं वो बोरोअर्स को पर्सनली जानते हैं, इसलिए अक्सर ऐसा होता है कि लेंडर्स बिना गारंटी के भी लोन दे देते हैं। बट इस तरह का लोन लोगों को कर्जे के जाल में फंसा सकता है, पर रूरल एरियाज़ के लोग करें भी क्या, क्योंकि कोलेटरल ना होने की वजह से बैंक तो लोन नहीं देते हैं, इसलिए वो मजबूरी में इनफॉर्मल सेक्टर से लोन लेते हैं। तो गरीबों के बीच इस कर्जे की समस्या को सुधारने के लिए पिछले कुछ सालों में एक नया तरीका इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का। अब ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं, चलिए समझते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गरीब लोगों के छोटे छोटे समूह होते हैं, लगभग 10 से 15 लोगों के समूह होते हैं, जिसमें सभी मेंबर सेम तरह की समस्या को फेस कर रहे होते हैं। तो ये सभी लोग मिलकर एक दूसरे की समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं। ग्रुप के सभी मेंबर मिलकर छोटी छोटी सेविंग करते हैं, मतलब सब मिलजुल कर थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और एक पूल फंड बनाते हैं मेंबर्स की हेल्प के लिए। अब इससे होता क्या है, अब मान लो किसी मेंबर को लोन की रिक्वायरमेंट है, तो वो मेंबर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ग्रुप से स्मॉल लोन ले सकता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी लोन का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, बट ये इंटरेस्ट लेंडर्स द्वारा लिए जाने वाले इंटरेस्ट से बहुत कम होता है, और जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़, वो सारे डिसीजन ग्रुप के सभी मेंबर मिलजुल कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप एक या दो साल तक अच्छे से काम करता है, मतलब रेगुलर बेसिस पर सेविंग वगैरह करता है, तो वो ग्रुप एलिजिबल हो जाता है बैंक से लोन लेने के लिए, मतलब बैंक उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन भी दे देगा। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से मेंबर्स का एम्पावरमेंट भी देखने को मिलता है। मोस्टली सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाएं ज़्यादा योगदान देती हैं, इससे महिलाएं ना केवल फाइनेंशियली फ्री हो रही हैं, बल्कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स महिलाओं को प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है, जिससे सोशल इशूज़ के ऊपर भी डिस्कशन होता है, जैसे कि हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस एक्सेट्रा। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स गरीब लोगों के बीच में और महिलाओं के बीच में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं,
क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से लोगों को आसानी से लोन मिल जाता है बिना कोलेटरल के, और वो भी बहुत ही रीजनेबल रेट पर, जिसकी मदद से लोग आसानी से अपनी समस्याओं से उभर पाते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प ग्रुप का एक एग्जाम्पल है जो कि है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश का। इसे स्टार्ट किया गया था प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस के द्वारा, जो कि ग्रामीण बैंक के फाउंडर हैं। इन्हें 2006 में नोबल प्राइज फॉर पीस से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने क्या किया था, 1970s में सेल्फ हेल्प ग्रुप के रूप में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया था जो कि आगे जाकर बहुत सक्सेसफुल रहता है। 2018 में ग्रामीण बैंक में ओवर 9 मिलियन मेंबर्स थे और ये लगभग बांग्लादेश के 81,600 विलेजेस में फैला हुआ था। इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी बोरोअर्स महिलाएं थीं, जो कि बहुत ही पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करती थी, तो इसी की मदद से उनका जो जीवन है वो पहले से बेहतर हो रहा है। देखो, यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो कि मुझे आपसे करनी है। तो कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि भाई आप फेस रिवील कब कर रहे हो। आई नो आप लोग थोड़े बहुत तो एक्साइटेड होंगे ही, बट अभी मेरे को लगता है कि मेरी पहली प्रायोरिटी ये है कि आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस डाली जाएं जिनसे आप लोगों की हेल्प हो सके, आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। हर टीचर का यही एम होता है कि पहले आप लोगों का फ़ायदा हो सके। मैं नहीं चाहता कि मैंने अपने एग्ज़ाम टाइम में जो प्रॉब्लम फेस की वो आप लोग फेस करो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ मिले, एनिमेशन मिले, नोट्स भी मिले, वीडियो डिटेल में मिले, कम टाइम में मिले, सारा चैप्टर सिंगल वीडियो में मिले, सब कुछ एक ही वीडियो में मिले, आपको कहीं और भटकना ना पड़े। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग यही लगता है कि अच्छा कंटेंट देखने को नहीं मिलता, और शायद इसीलिए वीडियोज़ को आने में टाइम भी लग जाता है। पर आप लोग चिंता मत करो, मैं एग्ज़ाम टाइम से पहले पहले आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगा। एटलीस्ट वो चैप्टर तो डाल ही दूंगा जो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपना 100% दो, मैं भी कोशिश करूँगा कि मैं भी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूँ। मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, डोंट वरी। आप ये मत सोचना कि मैं रिप्लाई नहीं कर पाता तो मैं आपकी कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ। और मुझे इस बात का दुख भी होता है कि मैं वीडियोज़ बहुत लेट डाल पाता हूँ, बट क्वालिटी टेक्स टाइम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।